नफरत ना करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूँ तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों मेरे पास जो है सुबह से कुछ कमेंट आने लग रही है कि भाई सीजन 16 का रॉयल पास लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना है तो कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये वीडियो जो मैं सुबह भी बना सकता था, मेरे पास बहुत सारी सुबह कमेंट आ गई थी, लेकिन मैंने सुबह इसलिए नहीं बनाई भाई क्योंकि आपको पता, बहुतों को पता है कि भाई मेरा एक दूसरा चैनल भी है किल चोर वाला, और वो चैनल ना भाई बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ने लग रहा है। तो उस पर भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मैं सुबह वीडियो पे वीडियो डालता रहता ना तो मैं उसके लिए गेम प्ले जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाता, एडिट नहीं कर पाता। इसलिए भाई मैं अब दिन में जो है उसी को जो है एडिट करता हूँ गेम प्ले को, ताकि मैं वो डाल पाऊँ। और उस पर जो है आज 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, तो जिसने भी सब्सक्राइब करके रखा है तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं किया तो भाई यूट्यूब पर लिखना किल चोर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और आज जो भाई और भी कुछ अपडेट निकल के आई थी डाटा ट्रांसफर को लेकर, तो मैंने उस पर भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई अभी जो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा भाई ऐसे ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने का कि भाई पबजी मोबाइल में अब ये हो गया, अब ये चीज़ आएगी, अब ये चीज़ आएगी। अगर कुछ बिल्कुल 100% होगा तो मैं आपको बता दूंगा अनबैन को लेकर, और या इससे और कुछ अलग न्यूज़ निकल के आती है, लेकिन वैसे भाई एक ही टॉपिक को बार बार घुमा फिरा के मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूँ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ओवर होने लग रहा है, मतलब ठीक था 1-2 दिन लेट हो गए ठीक है, लेकिन अब और भी ज़्यादा लेट हो रहे। आज भी ट्रेलर नहीं आया, जबकि आज उम्मीद थी कि आज तो आ जाएगा, 1 दिन और लेट हो गए भाई, लेकिन आज भी नहीं आया। पता नहीं भाई कब आएगा कब नहीं। अब तो भाई सर मतलब ट्रेलर ही इतना लेट हो रहा, तो पबजी मोबाइल तो पता नहीं भाई कब आएगा, अब देखते कि कब आएगा। और सुबह मैंने वीडियो डाली थी कि भाई आप जो है सर्वर चेंज मत करना, अगर आप सर्वर चेंज कर देते हो तो भाई आप 60 दिन तक चेंज नहीं कर पाओगे। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी सुबह, और उस पर ना इतनी सारी कमेंट आई कि भाई हमने चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया, अब कैसे ठीक होगा। और शायद आप में से भी भाई कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जो है चेंज कर दिया होगा मिशन कम्प्लीट करने के लिए, और जिसने नहीं किया तो उनको तो मैं ये बोलूँगा कि भाई बिल्कुल भी चेंज मत करना मिशन कम्प्लीट करने के लिए। पहले जैसा नहीं रहा कि आप कभी एशिया में खेल रहे हो, कभी यूरोप में खेल रहे हो, अगर आप एक बार चेंज कर दोगे ना तो आप 60 दिन तक चेंज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और जिसने चेंज कर दिया तो भाई अब जो भी बोल रहे कि भाई अब कैसे ठीक होगा, तो भाई 60 दिन के बाद ही होगा, अभी नहीं हो सकता। और ये पबजी मोबाइल पता नहीं भाई कभी कभी क्या करता है, अगर ऐसा कुछ लेकर आता है ना तो इनको जो भी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ देना चाहिए कि अगर आप एक बार चेंज कर लेते हो तो आप 5 दिन तक चेंज नहीं कर पाओगे, और अगर आप फिर 5 दिन के बाद भी ऐसी गलती करते हो तो 60 दिन तक चेंज नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन भाई डायरेक्ट 60 दिन तक ब्लॉक है भाई, अब आप जो चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी सर्वर में खेलना होगा। और अगर कुछ और तरीका निकल के आता जिससे कि आप चेंज कर पाओगे तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे भाई अभी कुछ नहीं है। अगर आपने चेंज कर दिया ना तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको पहले पढ़ना चाहिए था भाई, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको सीजन 16 का रॉयल पास अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो अगर आपको लेना है सीजन 16 में, आपको पक्का रॉयल पास लेना है, तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि भाई अभी बाय मत करो, अभी आप बस अपने मिशन कंप्लीट रखो, और जो ये 10 प्रोग्रेस होते हैं भाई यहां पर ये सब करो, और ये जो 200 आरपी पॉइंट मिलते हैं ना ये भी ले लेना इसी वीक में। अगर अगले वीक तक हमारा पबजी मोबाइल इंडिया आ जाता तो आप ना उसमें अपग्रेड कर लेना, और उसमें हो सकता है कि भाई पबजी मोबाइल की जो यूसी है ना वो थोड़ी सी सस्ती हो जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में भाई इसी पर बवाल चलता है गवर्नमेंट के बीच में कि भाई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो क्या पता भाई पबजी मोबाइल वाले ये सोचे कि भाई इंडिया में थोड़ा सा कम प्राइस कर दे, जिससे कि ऐसा कुछ आगे प्रॉब्लम ना आए बैन को लेकर। और ग्लोबल वर्जन में भी देख सकते हो प्राइस अलग है, और केआर वर्जन में भी अलग है, तो हो सकता है, वैसे मैं पक्का नहीं कह रहा कि यहाँ पे ये बोलो कि भाई आपने ये बात बोली थी, मैं पक्का नहीं कह रहा, हो सकता है कि महंगी भी हो जाए क्या पता, लेकिन प्राइस ज़रूर चेंज देखने को मिलेगा आपको। और अगर आपको रॉयल पास लेना है सीजन 16 में तो आप मिशन कंप्लीट करो, अब कब आएगा पबजी अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो भाई बस उम्मीदें टूटने लग रही है, कुछ ज़्यादा ही और होने लग रहा है, अब कब आएगा वो तो देखते हैं, लेकिन आ जाएगा, पर भाई कब आएगा वो कुछ नहीं कह सकता, डेली कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आ जाए, फिर आप ना उसी में अपग्रेड कर लेना, अच्छा रहेगा। बस आप अपने मिशन कंप्लीट करो, इतनी जल्दबाजी मत करो यार हर चीज़ को लेकर कि भाई बस सीजन 16 आ गया मुझे तो अभी रॉयल पास चाहिए। अगर आप मिशन कंप्लीट करते हो और भाई अगले वीक में भी अगर आप रॉयल पास अपग्रेड करते हो तो आपको ये सब जो है कलेक्ट कर पाओगे आप, और आपकी स्वार्पी भी ईजिली हो जाएगी अगर आप ये सब जो है कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको ये रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे भाई, ये कहीं भाग कर नहीं
हजारे अगर आप अगले वीक भी लेते हो तो आपको ये सब भी मिल जाएंगे जो पहले जा चुके हैं। भाई अभी जो आप ज्यादा जल्दबाजी मत करो, अगर पबजी इंडिया आ जाता तो भाई वो स्टार्टिंग होगी और स्टार्टिंग में क्या पता ये कुछ ऑफर भी दे और प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन क्या पता भाई आपको उसमें भी हाफ प्राइस में मिल जाए फर्स्ट टाइम, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा भाई। आपको ना 300-400 रुपए में शायद आपको 600-700-800-900 यूसी मिल सकती है, उसके जो है थोड़ा सा अलग प्राइस होगा उसका, वो देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन उसमें ना आपको सस्ती यूसी शायद मिल जाएगी। प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन में तो भाई पक्का मिलेगी अगर हाफ रेट में मिलता है तो, आप उसके लिए वेट करो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको फिर भी यूसी लेनी है कि भाई मुझे नहीं पता मुझे तो बस लेनी ही लेनी है यूसी, चाहे ये वर्जन है चाहे अगला मुझे नहीं पता, तो देखो आप जो है मिडास भाई से ले सकते हो, रेजर गोल्ड से पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप वहाँ से करोगे ना तो आपकी पेमेंट फील्ड हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको वीपीएन कनेक्ट करना है, तब जाकर जब अगर आप पेमेंट करते हो ना तो पेमेंट फील्ड नहीं होगी। और मैं इस पर अलग से वीडियो नहीं बना रहा, वैसे इस पर ज़्यादा व्यूज आ सकते हैं अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा मन नहीं है भाई ऐसा कुछ बताने का। फिर बहुत सारी ऐसी कमेंट आती है कि भाई तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो ये सब बताने लग रहे हो, इसलिए नहीं बताता। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक के जाना और चैनल पे नहीं होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।